एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज नवरात्रि का पहला दिन है, आज से नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं, तो हैप्पी नवरात्र टू ऑल ऑफ यू। और हमारे सब्सक्राइबर्स भी 150 प्लस हो चुके हैं, तो उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू आप सबका। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जैसे कि नवरात्रों में सभी लोग व्रत रखते हैं, जिनकी श्रद्धा है 9 दिन का व्रत रखते हैं। मैं तो व्रत नहीं रख पाती हूँ, बट मेरे हस्बैंड ने व्रत रखा है। तो आइए पूछते हैं, अभी व्रत रखे हुए 2-3 घंटे ही हुए, उनका एक्सपीरियंस पूछते हैं, उनको कैसा लग रहा। यस गाइस, सो फर्स्ट टाइम मैं नवरात्र रख रहा हूँ, मींस आई एम गोना ट्राई, आई एम नॉट श्योर कि मैं पूरे 9 दिन रख पाता हूँ कि नहीं रख पाता हूँ। तब जो मेरा एक्सपीरियंस है वो है ओनली 1 डे फास्ट करने का, दैट आई जनरली डू इट ऑन ट्यूजडे, बट दिस टाइम आई थॉट कि लेट्स गिव इट अ ट्राई टू डू ऑल 9 डेज ऑफ फास्टिंग, बिकॉज ये एक आई बिलीव बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन करने का भी एक अच्छा बहाना है, राइट? तो देखता हूँ। और वैसे जनरली जब भी मैं ट्यूजडे को व्रत रखता हूँ तो मंडे को आई इंश्योर दैट आई हैव 3 चपातीस। यस्टरडे आई हैड ओनली 2 एंड व्हेन आई वोक अप आई वाज रिग्रेटिंग, काश मैं 1 चपाती और खा लेता, राइट? तो साइकोलॉजिकली दिमाग में सवेरे से यही है कि कल 1 चपाती मैंने कम क्यों खाई है, राइट? बट देखते हैं कैसा होता है, जितना हो सकता है। एंड आई एम डेफिनेटली गोना शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दीज 9 डेज डेली क्या क्या होता है। एंड एज फार एज व्रत इज कंसर्न, सो मैं तो व्रत रख ही रहा हूँ, मेरे चाची जी व्रत रखते हैं, वो उनको तो एक्सपीरियंस है, तो आई एम गोना टेक सम गाइडेंस फ्रॉम हर, राइट? और मेरी कजन सिस्टर पीछे बैठी हुई है मानवी, तो नवरात्रि का फर्स्ट डे आज एंड शी इज गोइंग फॉर अ पार्टी। तो मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स का गेट टुगेदर आप समझ ही सकते हो, अल्टीमेटली पार्टी करने जा रही है नवरात्रि के डे 1 पे। बट गुड थिंग इज शी हैज आल्सो डिसाइडेड टू डू फास्ट, राइट? शी इज गोना डू इट ऑन ट्यूसडे आई बिलीव, राइट? सो या मानवी जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंस अबाउट यस्टरडे। हम चामुंडा देवी मंदिर गए थे, वहाँ पे कोई भी नहीं था और इतने अच्छे से दर्शन हुए हैं, मजा आ गया और ठंड भी हो गई है बहुत सारी। आप भी आइए चामुंडा देवी, बहुत मजा आता है। अभी तो पूरा नया इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया उसका और एकदम मजा आएगा आपको वहाँ पे। मैं तो कल नहीं जा पाई थी चामुंडा देवी टेम्पल। एक्चुअली चामुंडा देवी टेम्पल जाने का रीज़न ये था कि नवरात्रे स्टार्ट होने से पहले, कि नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं तो एक बार किसी शक्तिपीठ पे माथा टेका जाए, तो इसीलिए चामुंडा देवी का प्रोग्राम बनाया था जाने का। और एक तरफ दिमाग में ये था कि नवरात्रों से एक दिन पहले या नवरात्रे ख़त्म होने के बाद माथा टेका जाए, क्योंकि नवरात्रों में तो बहुत ज़्यादा क्राउड वहाँ हो जाता है और धक्का मुक्की शुरू हो जाती है, तो जाना सही सा नहीं लगता। क्योंकि जिस रीज़न से हम जाते हैं कि माता रानी के दर्शन अच्छे से कर पाएँ, वो तो नहीं हो पाते हैं क्योंकि पुलिस स्टाफ इतना ज़्यादा होता है, वो वैसे ही बाजू पकड़ के बाहर निकालता है। अब वो आप एडिट कर देना यार, बीच में मत बोला करो, सारा फ्लो टूट जाता है। तो देखिए मैं तो नहीं जा पाई थी क्योंकि इन लोगों ने मॉर्निंग में 6 o'clock निकलना था, तो 5 बजे उठना पड़ना था, तो और नायशा के साथ अपने डॉटर के साथ मैं, मेरे से तो नहीं हो पाना था, तो मैंने तो घर से ही माथा टेक दिया। और ये सब गए थे मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, चाचू चाची और ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये सब गए थे, मैं नहीं गई। और मैंने वीडियो देखी, इन लोगों ने चामुंडा देवी की वीडियो बनाई है, काफ़ी अच्छा बना रहे हैं, अब उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। और सुनने में ये आया है कि ये बहुत ही भव्य मंदिर बनेगा, तो अगर आप हिमाचल के आसपास हैं या पंजाब हरियाणा से कहीं से भी हैं, तो जब भी चक्कर लगे हिमाचल का ज़रूर आइए माथा टेकने। नवरात्रों के टाइम पे पंजाब से बहुत ज़्यादा क्राउड आता है यहाँ पे माथा टेकने के लिए, बट इस बार पेंडेमिक की वजह से ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। अभी तो त्यौहार स्टार्ट हुए हैं, देखते हैं कितनी रौनक होती है मार्केट्स में, कितनी नहीं होती है, देख सकते हैं। मेरे को अपने स्वेट शर्ट में आ गया हूँ, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी गिर चुका है, काफ़ी नीचे आ गया है, तो
बेसिकली हमने एट द मोमेंट ही प्लान बनाया, मेरे चाचा जी ने बोला कि टाइगर को केम समवेयर अराउंड 9:30 एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लान था एंड तैयार हो गया चलने के लिए लाइक. सो आई रियली लाइक द एक्सपीरियंस बट इन अदर वेज इफ यू सी वहाँ पे जितनी शॉप्स वगैरह हैं वगैरह सब क्लोज पड़े हैं. यू गाइस कांट इवन इमेजिन व्हाट्स द पेन दीज गाइस आर गोइंग थ्रू. सारा बिजनेस वगैरह उनका ठप पड़ा है. दर्शन तो जहाँ पे 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे लगते थे वो हमारे 20 सेकेंड्स भी नहीं लगे राइट. बट अब तक जैसे मंदिरों के दर्शन करते आए हैं जब तक भीड़ ना हो फीलिंग भी नहीं आती है ढंग से राइट. तो वो फीलिंग थोड़ी मिसिंग थी भीड़ में जाने की, थोड़ी धक्का मुक्की वाली राइट. तो काफ़ी खाली खाली था तो खाली खाली का भी अपना ही मजा है. बट फॉर श्योर आई वुड रियली वॉन्ट टू सी क्राउड अगेन बैक टू ऑल दीज टेम्पल्स राइट. काफ़ी बड़ा इको सिस्टम है जो सर्वाइव करता है इन टेम्पल्स पे राइट. तो ये था. बाकी अंदर में फ़ोटो खींचने लगा, आई वॉज नॉट अलाउड टू टेक फोटो तो उन्होंने मना कर दिया. बट मेरे ब्रदर ने सम हाउ ही वॉज एबल टू टेक पिक तो आई विल गोना पोस्ट दैट एज़ वेल हियर राइट. So with that we are going to Palampur again and as we have told you many times we'll show you Palampur abhi tak to nahi dikhaya right. So kab dikhayenge wo aap wo bhi nahi pata kab dikhayenge wo aap Nikita se puchiye kyunki do baar commitment isne kari hai maine nahi kari hai dikhane ke right. So kya bolte ho Nisha kab commitment puri karoge tum apni. Definitely it's going to be I'll definitely show one day. Give us some time. सीधा बोल दो नहीं हमें खुद नहीं पता चलता जाना है. तो हम खुद इस मार्केट के लिए नए हैं, पालमपुर के लिए नए हैं क्योंकि एवरी ईयर दिवाली के टाइम पे हमारा अपने फार्म हाउस में आना होता था और यही सबसे लंबा टाइम हमने यहाँ पे लंबे टाइम के लिए यहाँ पे आया है पेंडेमिक के चलते. तो नहीं पता, ज़्यादा नहीं पता, एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही हमें इसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा या हमें कुछ अच्छा लगेगा, अच्छा तो वैसे काफ़ी है, सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ नज़र आती हैं और स्नो होती है उन पर, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू होता है जो कि शायद एक बार दिखा भी चुके हैं और आपको कभी पालमपुर ज़रूर दिखाएंगे, कभी तो दिखाएंगे दिल्ली वापस जाने से पहले डेफिनेटली. तो आपको नई डेट मिल गई है दिल्ली जाने से पहले, दिल्ली जाने से पहले पालमपुर दिखा देंगे हम राइट. तो ठीक है एंड गाइस हमारे 150 प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए हैं तो रियली थैंक यू ऑल फॉर यू नो गिविंग अस दैट गिविंग अस योर लव एंड सपोर्ट राइट. बाकी टाइम थोड़ा कम ही मिल पाता है वीडियो वगैरह शूट करने का बिकॉज वी टोल्ड यू कि कुकिंग पे हमारी काफ़ी अटेंशन रहती है राइट. छोटा बेबी हो तो जब भी फ्री टाइम होता है हम उसका खेलते हैं. तो आई पोस्ट ये कुकी की कुछ नहीं फोटोज हमने की है आप देख सकते हो राइट. तो उसमें हमारा काफ़ी टाइम चला जाता है. बाकी ऑफिस से तो टाइम ही नहीं मिल सकता, 12 से 10 बजे तक तो ऑफिस में बैठे रहते हैं तो उसके बाद जो भी हल्का फुल्का टाइम होता है हम करते हैं. तो एनीवे गाइस तो अब हम चलते हैं गाने वगैरह सुन लेते हैं थोड़ा गाड़ी में क्योंकि पहुँचने वाले हैं पालमपुर राइट. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ओके देन थैंक यू बाय टेक केयर.